इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट के जो प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं उसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कोई भी चार्ज बॉडी है, जिसने भी एग्जांपल दिए हैं, प्रैक्टिकल दिए हैं या इस तरह का हमने कुछ भी किया है, तो उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी आपने कि कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो किसी दूसरे या तो चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक। या अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तब भी उसको वो अट्रैक्ट करता है, तब वो अट्रैक्ट ही करता है ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो अब जो स्पेस है जहाँ पर वो जो दो दो बॉडी हैं, दो चार्ज बॉडी हैं और एक किसी स्पेस में दो चार्ज बॉडी हैं और वो एक्सपीरियंस करती हैं किसी फोर्स का, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको अगर हम मतलब एक तरह से प्लॉट करें तो उसके लिए देखो जी, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो है आउटवार्ड है, ठीक है। ऐसी जो नेगेटिव चार्ज है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टर्मिनेट होता है, तो ये कन्वेंशन है, ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो इससे क्यों बाहर निकल रहा है और इसमें क्यों आ रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशन है कि हमने पॉजिटिव से माना कि पॉजिटिव से बाहर निकलता है, ठीक, और नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टर्मिनेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें इनवर्ड बनेंगी सारी जो लाइन है। अच्छा, तो ये 2D जो स्केच है, ये जो स्केच है इसका, ये जो पिक है, ये 2D प्लॉट है। तो होता है जो 3D में देखोगे तो ये इस तरह है, ये सारी डायरेक्शन में रहते हैं। तो जो फील्ड लाइन है, जैसे पॉजिटिव की है, जो फील्ड लाइन है वो सारी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये ऐसा ही नहीं है कि बस ये इधर आमने नहीं है, इधर मतलब सामने और पीछे नहीं है, तो सब जगह है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में जो लाइन आएंगी वो सब इनवर्ड आएंगी और वो भी सब चारों तरफ। तो इस तरह का व्यू है, होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चारों तरफ ही होता है सारे सराउंड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बस इस तरह का है, इसके सामने से नहीं आया, नहीं है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पीछे नहीं है, तो इस तरह के। तो 2D पिक्चर बनाते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3D पिक्चर है इसकी, ठीक। अब दो लाइक चार्ज को लेके आते हैं तो इस तरह की लाइन बन जाती है। अब यहाँ पर इसको लाइन को देखो ध्यान से, अगर इसको आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ओरिजिनेट हो रही है लाइन, अगर इन दोनों को हम पास पास लाते हैं, ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्ज हैं तो पास पास लाते हैं, तो ये लाइन आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, इसके साथ, ठीक। ये लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तब अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो ऐसे ही ये लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, तो ये इस तरह इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लाइन बेंड हो जाएंगी। तो लाइन सारी बेंड होती हैं। अब इसको हम इस पिक्चर में देखते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जैसे आप ऊपर से उसमें देख रहे हो, तो जब तक कोई चार्ज बॉडी पास में नहीं थी इसके, ये दोनों पास पास नहीं थे, तो लाइन जो थी इक्वी डिस्टेंस पे थी। पर जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आता है, ये दोनों आपस में, दोनों चार्ज बॉडी हैं, अगर आप पास पास लाते हो, तो जितनी भी लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो सब बैंड हो जाती हैं किसके, एक दूसरे की तरफ, अगर वो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे की तरफ बैंड हो गई हैं और इस तरह वो, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये जो फेस टू फेस जो बिल्कुल सामने वाली है ना, तो वो वाली जो लाइन है वो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, है ना, तो वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई। और बाकी जो लाइन है, बाकी सब के सब वो क्या हो गई, वो सब बैंड हो गई, सही है, और बैंड हो गई वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो, तो ये और ये, मतलब अगर सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे जो लाइन है, जो फेस टू फेस जो लाइन है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी जो लाइन है वो सब बेंड हो जाएंगे। तो इस तरह का है ये, ठीक है। और ये बेंड होती हुई ऐसा नहीं है कि पैरेलल हो जाएंगे, ये बेंड हो रही है तो इस तरह, ऐसे ये भी बेंड होती हुई इस तरह, ये भी बेंड होते 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 इस तरह हो जाएगी और ये भी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये लाइन कभी भी आपस में मिलती नहीं है, दोनों तरफ से ओरिजिनेट हो रही हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक। अब आते हैं, ये तो चार्ज जो ये लाइन बनी हुई है, ये थी जो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थी चार्ज, दोनों पे इक्वल था, तो इस पे नेगेटिव था और इस पे पॉजिटिव था, पर था दोनों पे इक्वल। अब
चार्ज को कम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो एक 3D पिक्चर है, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में या चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में ये 3D लाइन है, तो इस तरह की लाइन बनती है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस पे, अगर चार्ज जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो ज़्यादा मान लिया, 3Q मान लिया कि 3 यूनिट वो उससे ग्रेटर है, और जो नेगेटिव वाला है वो 1Q है सिर्फ, तो Q का मतलब है यहाँ पर जो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और जो चार्ज की जो यूनिट है, जैसे हमने 3 यूनिट या 4 यूनिट बोला, तो चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कोलाम, तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ क्यू, सही है। तो ये है कोलाम। तो अब कोलाम वैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो सपोज़ करो यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज है, तो मैं यूनिट लेके चल रहा हूँ क्योंकि कोलाम काफ़ी बड़ा है, जब इसको करंट डिस्कस करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे सही से, ठीक। तो जो क्यू है ना, तो ये 1 यूनिट चार्ज है इस पर माइनस का 1 यूनिट चार्ज, और ये है इस पर प्लस 3 यूनिट चार्ज। तो जितनी भी इसकी लाइन है ना नेगेटिव वाले की, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो सारी की सारी इसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, वो सारे के सारे इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली, अब कोई दूसरा अगर पार्टिकल इधर, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आता है पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो उसकी तरफ लाइन जाएंगी, इससे हट के उधर जाएंगी, अदरवाइज ये ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या करता है, देखो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपने को न्यूट्रल स्टेट में लाना चाहता है, ठीक है, तो कंपनसेट करने के लिए वो उससे अपोजिट चार्ज वाले से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिससे कि उसके साथ आए और वो नेट जो उसका चार्ज हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक। तो ऐसे ही अब ये 3Q वाले ने, 1Q तो इसका कंपनसेट हो गया, पर 2Q जो प्लस का बचा हुआ है उसकी लाइन है ये, तो सपोज़ करो Q पे 5 लाइन है, सही है, तो 3Q पे वो जो लाइन स्ट्रॉन्ग हो गया कितनी हो जाएंगी, 15, 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो 5 लाइन जो हैं वो आप सपोज़ करो आपस में कनेक्ट हो गई, तो इसकी 5 लाइन, इसकी 5 लाइन, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया, बाकी की जो बची 10 लाइन है वो आगे वो दूसरे को देख रही हैं कि दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आए तो उसके साथ वो कनेक्ट हो, ठीक। तो इस तरह की लाइन ये बन जाती है। अब आते हैं, हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। अगर देखो यूनिफॉर्म बॉडी है कोई, सपोज़ करो इस तरह की कोई बॉडी है और ये सर्कुलर है और ये यूनिफॉर्म है ना, तो जो चार्ज जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक, तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक। तो यूनिफॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्मली है, तो चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं, अगर कोई हमारा जो हाँ इस तरह का है, कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का है, तो वो शार्प है, एक टिप उसकी शार्प है, ठीक है, और इस तरह का है, तो जो चार्ज है वो एक्युमुलेट होता है शार्प एज पे, जो उसकी टिप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्युमुलेट होता है, तो जो कंसंट्रेशन है चार्ज की वो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इधर ये जो काफ़ी स्पेस है, और जो टिप है ये वाली जो टिप है इस पे ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये चार्ज ज़्यादा होगा जो टिप पे, जो चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, ये शार्प एज पे जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन बनती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो शार्प एज है ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो ऐसे ही नेगेटिव के लिए है, अगर ये सपोज करो ये कोई बॉडी है और इस पे मैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये इस तरह है ये, और फिर ये इस तरह होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्पेस है यहाँ पर कंसंट्रेशन जो नेगेटिव चार्ज की है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक, और जैसे ही आपकी जो एज है उस पर फिर ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है वो जो जो एज है उधर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसको हाई वोल्टेज देते हैं जो चार्ज की जो नेगेटिव है उस पर, अगर उसको आप नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा करते हैं
तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर कलेक्ट होते 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 क्या होगा, ये एक दूसरे को, ये जो स्पेस है यहाँ पर एक दूसरे को रिपिल करना शुरू कर देंगे। तो रिपिल करेंगे तो ये है ना, इसका डिस्चार्ज होने लगेगा, तो ये एयर को क्या करने लगेंगे, आयनाइज करने लगेंगे। तो ये जो चार्ज हैं, ये चार्ज अगर कोई शार्प टिप है, सही है, तो शार्प टिप पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक, क्योंकि चार्ज कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, एयर या इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ, तो अभी अगर अर्थ की बात करें तो एयर है, पर अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ तो एयर नहीं है, तो ऊपर फिर भी वो क्या करेंगे, वो उसको छोड़ देंगे, ठीक। तो जब इसको छोड़ते हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑलराइट। अच्छा, अगर आसपास की एयर है, आसपास कोई एयर, इसमें एयर है, तो ये एयर को भी आयनाइज करने लगते हैं। तो एयर क्या है, एयर को अगर देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, है ना, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। तो हमारे यहाँ और बाकी की फिर 1-2% में बाकी की गैसेस हैं, तो मेनली नाइट्रोजन है और उसके बाद फिर ऑक्सीजन है। तो सारे पार्टिकल जो जो मॉलिक्यूल हैं, जो ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, तो सारे मॉलिक्यूल तो आयनाइज नहीं होते, पर कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइज होने का मतलब क्या है, उन वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आए इधर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो इधर कोई नेगेटिव, इस तरह इसमें बनेंगे। तो नेगेटिव तब बनेगा जैसे आयनाइज होती है एयर, तो वो कभी कभार क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। अगर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सही है, जो इलेक्ट्रॉन अगर आपका है और अगर ले लेता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, ठीक। तो ये हो गया नेगेटिव आयन। तो इस तरह ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई, तो उस पर आएगा पॉजिटिव आयन, वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन। जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अलग इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो बन जाएगा हमारा नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस तरह जो एयर है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो एयर जो है उसको हम क्या करते हैं, इसको आयन बनाना, या एक तरह से इसको अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑब्जेक्ट के, चार्ज ऑब्जेक्ट के, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक जो है, जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि एयर में जा रहा है, ठीक है। और जो एयर है वो क्या हो रही है, आयोनाइज, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन, ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो इस तरह का है। तो शार्प टिप से जब भी आप कहीं देखेंगे कि जैसे कोरोना डिस्चार्ज है या कुछ भी है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो भी शार्प जो एज है ना, तो वहाँ से वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज भी इसी पे ही है। और अगर आप वेंडेग्राफ जनरेटर को देखें, तो उसमें अगर आप जो उसका डोम है या जो स्फेयर है उसके ऊपर अगर आप स्पाइक लाइक कुछ रख दें इस तरह का, तो वो यहाँ से एयर को आयनाइज करने लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और कंसंट्रेशन टिप पे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ये सरफेस एरिया घटता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, और टिप पे वो क्या करने लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने लगता है, तो एक दूसरे रिपेल करके वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या करता है, एयर को आयनाइज करते हैं। तो ये सपोज करो जनरेटर है वो, ठीक है, यहाँ पर मोटर लगी हुई है इस तरह की, ठीक है ना। तो ये वैन डेर ग्राफ जनरेटर, उसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट, जो उसकी वर्किंग है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ से ये क्या करता है, एयर को आयनाइज करना शुरू कर देता है। और एयर क्यों आयनाइज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पूरा अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके प्लॉट करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव वाले के लिए, ठीक है, तो इस तरह है। और यहाँ पर आते आते वो बिल्कुल है ना, इस तरह की,
कंसंट्रेटेड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर ये आउटवर्ड है और यहाँ पर जो है इनवर्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंसंट्रेटेड लाइन है, जैसे कि चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको आप लोड कर लेंगे, ठीक। तो इसको ऐसे ही रखना है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा ये इस तरह होते होते फिर ये क्या होता रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी इस तरह का, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि जो टिप है, जो शार्प एज है, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा होती है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता है। तो यहाँ पर देखोगे इसका टोटल सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, शार्प टिप पे। अब आते हैं नीचे, तो जैसे मैंने बताया कोरोना डिस्चार्ज इस तरह का है, तो शार्प टिप है, तो शार्प टिप पे यहाँ आसपास जो सराउंड में दिखाया गया है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको आयनाइज कर रहा है। तो कुछ मोलिक्यूल हैं, है ना, कोई माइनस है, कोई प्लस है, ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा है, तो इस तरह का ये इन्वायरमेंट बनता है। तो जो एयर के जो मोलिक्यूल हैं, कोई पॉजिटिव मोलिक्यूल है, कोई नेगेटिव मोलिक्यूल है, इस तरह का है, और ये कंबाइन भी करते रहते हैं। जैसे कि सपोज़ करो यहाँ ये पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ये आयनाइज हुआ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, एयर को भी आयनाइज कर रहे हैं। तो एयर के मोलिक्यूल जो हैं उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन भी हो जाते हैं, तो जब रिकम्बाइन होंगे तो मोलिक्यूल वापस अपनी जो स्टेबल स्टेट है उसमें आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह का है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो इस तरह मैं बना दिया है, और इलेक्ट्रॉन भी इस तरह। तो ये जो आयनाइजेशन में है ये बेसिकली इस तरह का होता है, और जो मॉलिक्यूल हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो मैंने सर्किल डे बनाए हैं, सही है, ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, उसमें हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। अच्छा, अगर वाटर मतलब अगर आप मॉइस्चर ज़्यादा हो तो उसमें H2O भी आ जाता है, ठीक है, तो H2O के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी वो क्या करते हैं, वो आयनाइजेशन बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये बात इसको समझ लो कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो यही वजह है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो जो थंडर स्टॉर्म है तो वहाँ से जो लाइटनिंग होती है वो अर्थ तक डिस्चार्ज नहीं होती है, पर अगर बारिश हो रही हो तो उस फिर वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डिस्चार्ज जो होगा वो अर्थ में, मतलब जो क्लाउड है या थंडर स्टॉर्म है और वो अर्थ है, तो वहाँ तक ये डिस्चार्ज होना पॉसिबल है अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है तो, ठीक। अगर ड्राई है तो बहुत कम चांसेस हैं, पर अगर है बारिश हो रही है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा मैंने इसको लास्ट में भी एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं जो पैरल प्लेट हैं, अगर पैरल प्लेट हैं तो वो इस तरह का बनता है, सही है। तो दो पैरल प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर सपोज़ करो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेंगी इस तरह की बनेंगी, ठीक। और इस तरह भी लाइनें आएंगी राउंड राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह शो हुआ है, ये इस तरह का, ठीक है, ये भी आएगा, तो इस तरह का हुआ, ठीक है। तो जहाँ भी बना रहे हैं, देखो अगर बिल्कुल सामने सामने है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो जहाँ पर भी कर्व आएगा वहाँ पर भी ये राउंड राउंड लाइन आएंगे। तो ये इस तरह ही है, जैसे कर्व है तो इसमें कई सारी लाइन बन जाएंगी, स्ट्रेट भी बनेगी, कर्व लाइन भी होंगी, इस तरह का, ठीक है ना। पर अगर पैरल प्लेट है तो वो स्ट्रेट लाइन, और जहाँ इसका जो ऊपर वाली एज है और इसकी नीचे वाली एज है वहाँ से ये कर्व लाइन आएगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, जो पैरल प्लेट है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, ठीक। तो ये जो लाइन है, अगर बीच में कोई हम ऑब्जेक्ट और कोई ऑब्जेक्ट ले आए और जो अनचार्ज्ड है, जैसे कि ये है, तो जो लाइन है ये क्या करेंगे, ये उसमें ड्यू टू इंडक्शन उसमें इधर जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ तो नेगेटिव आयन आ जाएंगे, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जो उसकी नेगेटिव साइड है उधर पॉजिटिव, ठीक है। तो
इस तरह का हो जाएगा। तो जो लाइनें हैं जो उसके थ्रू जाएंगी, तो अब वो उसमें टर्मिनेट होंगे, जो बीच में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट बीच में रख दें, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो वो उस पर टर्मिनेट होंगे। तो ओरिजिनेट हो रही है प्लेट से, टर्मिनेट हो रही है ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह है ना। ऐसे ही फिर तो इधर टर्मिनेट होंगी और इधर से फिर जो दूसरा इसका पॉजिटिव है उससे फिर निकलेंगी और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव प्लेट पे। तो इस तरह की ये जो एक तरह से जो डिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट के आने से, वो ये इस तरह शो कर रहा है। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह की बनती हैं। क्लियर है ना। तो कोई बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कोई पैरल प्लेट ही लगा देते हैं इस तरह की, हम पैरल प्लेट और एक लगा दी और वो जो कि है अनचार्ज है, तो उसमें फिर यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर सारे माइनस माइनस, ठीक। अब कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधी सीधी आएगी और सीधी सीधी इधर से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इसका हमने एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिया है, हाँ। अब इस पॉइंट का यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, तो जो लाइन है वो 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करती है। तो जो जो बेंड हो रही है लाइन, ठीक है, तो अगर उसका आप एंगल देखेंगे तो वो यहाँ से और यहाँ तक का ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमेशा जो है लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे वो परपेंडिकुलर, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सर्कुलर है तो मूव करके तब भी वो 90 ही आएगा। तो ये 90 डिग्री तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आते हैं, तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या आप यहाँ पर प्लेट पर देख लें, सही है। तो ये जो एज है, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों के बीच में नापोगे तो यहाँ पर भी मेज़र करोगे तो 90 डिग्री का ही बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर ही आते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन और जो ओरिजिनेशन है वो 90 डिग्री पे, ठीक, परपेंडिकुलरली आता है। अब जो मैं पिछला जो मैंने इसमें एक बताया था, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ थे, उसमें मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज दोनों के लिए। हम नेगेटिव भी देके इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिवली होके आ रहा है, अगर मैं इधर नेगेटिव चार्ज दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा। तो इसको नेगेटिव करूँ, इसको पॉजिटिव करूँ, तो जल्दी ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको पॉजिटिव करूँ और इसको नेगेटिव करूँ तो इधर नीचे आ जाएगा। अगर मैं एक को ग्राउंड जीरो रखूँ, तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर इसको कॉन्स्टेंट चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, सही है, 1 वोल्ट, या मैं 1 Q कर देता हूँ इसको। ऊपर वाला है, मैंने इसको अगर मैंने 2 Q दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव है और ये सब पॉजिटिव है, ठीक, इसको पॉजिटिव रखा है, तो ये किधर मूव करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा? तो ये अप जाएगा क्योंकि इधर चार्ज ज़्यादा है। अगर मैं इसको 0 Q कर दूँ तब किधर जाएगा? तब ये डाउन आएगा, ठीक है। तो इस तरह का है, तो इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 Q है तो ऊपर जाएगा, और अगर 0 Q है इधर तो ये डाउन जाएगा, ठीक है, ये जिसने में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। चलिए, तो चलिए यहीं रुकते हैं, थैंक यू।